हे एवरीवन, तो कल ही मॉम आ गई थी गांव से और हमने सोचा कुछ स्पेशल बनाए, तो हॉटपॉट से अच्छा क्या हो सकता है। तो अभी आटा यहाँ पे डाल रही है जो गांव से ही लेके आई थी, और हमने हॉटपॉट की सामग्री भी ले ली है सारी। गाइस देखो, रेड चिली विनेगर, सोयाबीन और चिली का पेस्ट मिक्स्ड है, चाइनीज पिकल, आज मैं, मॉम, ओडिन, इवान, हम सब जाने वाले हैं एक पार्क में। कल ही रात को बुकिंग करा ली थी। अभी एकदम स्प्रिंग टाइम स्टार्ट हो गया है, तो यानी अभी ज्यादा ठंडी नहीं है, आपको ज्यादा जैकेट वैकेट लादने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़े ले जाने की जरूरत नहीं है। आपको लग रहा होगा ना ये शाइनी शाइनी क्या है, ये मैंने बहुत सारा सनस्क्रीन लगाया हुआ है। तो शुरुआत में ना जब लगाते हो तो बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है, लेकिन बाद में वो नॉर्मल हो जाता है। मॉम बना रही है यहाँ पे डम्पलिंग्स, और एक्चुअली बन गए हैं पूरे यहाँ पे, उन्होंने बॉईल किया था, सॉस भी पड़ा हुआ है चिली वाला। ओडिन और इवान जाके वहाँ गार्डन में खेल रहे हैं। गार्डन क्या, वहाँ पे जो प्ले एरिया है हमारे एकदम वहाँ पे खेल रहे हैं। ये है शिमला मिर्च के साथ, आई थिंक ये पोर्क है, वेरी टेस्टी। बाल बांध लिए, अब हम जा रहे हैं बाहर। चुपे जी क्या बैठ होती है। इवान, यू रेडी टू गो? हाँ। वाओ, एकदम ये तो फार्मर स्टाइल पे आ गए, अमेरिकन फार्मर। We go. हम आ गए हैं यहाँ पे। देखो गाइज, ये पार्क के बाहर का एरिया है, और यहाँ पे ये शंघाई वाले फ्लावर ट्रीज हैं। तो इसमें देखो आप, फ्लावर ही फ्लावर लगे हुए हैं पूरी तरह से, पत्ते ही नहीं है कोई, पिंक कलर के फ्लावर्स। आगे आगे मम्मी और उड़ीन चल रहे हैं। ये है वो फैसिलिटी या जो भी बोलोगे आप, आई डोंट नो ये एग्जैक्टली क्या है। मामा देखो, मम्मी को फूलों का बहुत ही शौक है, तो मुझे दिखा रही थी, देखो रुचि यहाँ पे, नाइस चंपा। वाह, पूरी तरह कवर्ड हो चुकी है, इतनी ज़्यादा धूप है गाइस। एक तो मास्क यहाँ पे लगाना पड़ता है, और ग्लासेस मैंने अपने आँखों को बचाने के लगाए हैं, और हैट बालों को। यहाँ पे देखो ये बिल्डिंग है बहुत बड़ी, और ओडिन ने मुझे जस्ट बोला कि वो घर वापस जाएगा टेंट लेने के लिए। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत लोग कैंपिंग कर रहे हैं, हमको पता नहीं था यहाँ पे कैंपिंग अलाउड है, तो घर पास में ही है, वो टेंट लेके आएगा। तो लॉकडाउन स्टार्ट हुए 2-3 दिन ही हुए थे, और यहाँ पे थोड़ी सिक्योरिटी थी, 2 चेक पॉइंट्स थे जहाँ पे आपको अपना हेल्थ कोड दिखाना था कि आपको वायरस नहीं है। ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, हम बहुत ही जल्दी अंदर घुस गए। 2 सिक्योरिटी पॉइंट से निकलने के बाद हम यहाँ आ गए हैं। ये पीछे से मम्मी आ रही है, और ओडिन वापस जाके टेंट लेके आने वाला है। गाइस एकदम टूरिस्ट वाला लुक मेरा, हैट वैट के साथ। ये सिर्फ आँखों को बचाने के लिए रखे हैं मैंने। इवन यू आर सच अ गुड बॉय, यू वेयर मास्क, हां तोड़ो। वाओ क्या फ्लावर्स हैं। और अब बब्बू को हम खुला छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ियाँ नहीं है, इतना अकेलापन है क्योंकि अभी लॉकडाउन पड़ा हुआ है। अभी इवान का फोटो शूट हो रहा है। ये किस टाइप के पौधे हैं गाइस, फूल के जैसे लग रहे हैं। देखो पता नहीं कौन सा पौधा है, पहली बार देखा। इसमें लिखा हुआ है नार्सिसस एर्लीचियर। तो शंघाई का वेदर इतना अच्छा ना, यहाँ पे आप कुछ भी उगा सकते हो, और स्प्रिंग टाइम में बहुत सारे ब्लूम होते हैं, और यहाँ पेड़ों पे भी वाइट कलर के फूल लगे हुए हैं। गाइस देखो पूरा पेड़ पिंक कलर के, अलग ही पिंक है, ये प्याजी कलर के फूल। कपल्स भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, मॉम एंड सन खेल रहे हैं। ये मॉम्स कितनी कूल है यहाँ पे, एकदम पूरा जापानीज स्टाइल में। तो मुझे ना समझ आ गया यहाँ पे जापानीज स्टाइल में लोग क्यों कपड़े पहन के आए हैं। तो जिनको शौक है कॉस्प्ले वगैरह करने का, उनके लिए बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ पे देखो आप, जापानीज गार्डन के जैसा है ये। यहाँ पे इतने सारे फूलों वाले पेड़ हैं कि यहाँ पे वो स्टाइल के कॉस्प्ले वाले फोटोज ले सकते हैं। लिटरली देख लो आप, यहाँ पे बहुत लोग फोटोज ले रहे हैं, और यहाँ शूटिंग भी हो रही थी। देखो कितने लोग प्रोफेशनल कैमरा लेके आए हैं यहाँ पे, अपने वाइफ के गर्लफ्रेंड्स के फोटोज ले रहे हैं।
मम्मी भी यही देख रही है, रुकी हुई है कि इनका फोटो शूट कम्प्लीट हो जाए। गाइस देखो ये स्वर्ग से कम नहीं लग रहा, कितने सारे पेड़ है यहाँ पे। जो मम्मी है वो इवान को देख रही है, इवान को दिखा रही है। मुझे लगता है इवान को बहुत गर्मी लग रही होगी, उसके कपड़े उतारने पड़ेंगे थोड़े। हमने उसको बहुत सारे लेयर्स पहनाए हैं। इवान इज लुकिंग सो हैंडसम, ये इवान नाइस। हां देखो गाइस सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं छाया में, और बहुत लोग ड्रेसअप होके आए हैं चाइनीज स्टाइल में या जापानीज स्टाइल में, और अपने फोटो शूट करा रहे हैं। लाइक लिटरली जब से फ़ोन का आविष्कार हुआ है ना, फ़ोन के बिना इंसान रहता ही नहीं है। इवान नाइस नाइस जॉब इवान। और यहाँ पे ना ओडिन लेके आने वाला है टेंट, धूप में ना टेंट लगा लो बस। इवान इज़ लाइक सो हैप्पी, कहीं पे भी भाग सकता है वो। यहाँ देखो गार्ड्स लगे हुए हैं ताकि कोई झगड़ा वगड़ा ना कर ले। इवान केयरफुल। अब हम यहाँ से जा रहे हैं गलियारे से जो कि फूलों से भरा हुआ है, और देखो लेफ्ट राइट लोग फोटोग्राफी ही कर रहे हैं। कितने लोग हैं, बहुत सारी मैंने देखा लड़कियाँ आई है, दो दो लड़कियाँ आई है या दो दो लेडीज आई हैं और एक दूसरे के फोटोज ले रही है ट्रेडिशनल ड्रेसेस में। तो यहाँ पे देखो सोशल मीडिया कितना इम्पोर्टेंट हो गया है यहाँ पे भी, दुनिया भर के जैसे। ओह माय गॉड सच अ ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, क्या जगह है। आई थिंक लेक जैसी है, ब्लैक कलर की स्वान्स भी यहाँ पे तैर रही है, और यहाँ पे एक लड़की रिकॉर्डिंग कर रही है लाइक टीवी शो की, लाइक न्यूज चैनल की। और वहाँ पे पहाड़ी भी है गाइस देखो, और ओडिन अभी तक आया नहीं है। इवान यू आर हैप्पी। देखो यहाँ पे क्लासी फैमिली भी है, एक रिच फैमिली लग रही है, बच्चे वाइफ हस्बैंड। और यहाँ पे भी देखो बहुत सारे लोग स्कर्ट्स में हैट्स में एकदम स्प्रिंग वाले लुक में आए हैं। यहाँ पे ये कपल ड्रोन एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं कौन से वीडियोस बना रहे हैं बट बहुत मजे कर रहे हैं यहाँ पे लोग, बहुत खुश लग रहे हैं। अभी सारे लोग एक साथ घर से निकल रहे हैं। ये देखो ब्लैक स्वान्स। इवान को बनाना दिया है खाने के लिए, गर्मी लगने लगी। हम जब वॉक करते हैं और इतना ज़्यादा एरिया है, आप सोचो वॉक करने का, दोपहर के 12 बजने वाले हैं तो गर्मी तो लगेगी है ना इवान। यहाँ पे बहुत पेशेंटली दो लड़कियाँ फोटोशूट कर रही है। मम्मी आ रही है यहाँ पे घूम घूम के, मैं और इवान वेट कर रही थी। हाला हाँ, यहाँ पे इवान का फोटोशूट हो रहा है खाते हुए बनाना। तो इवान अभी क्या कर रहा है, ऊपर भाग के जा रहा है, वहां से नीचे आ रहा है पहाड़ी में से। इवान इज ट्राइंग टू वेयर हिज हैट। इवान कम बस केयरफुल। ओ यहाँ पे ट्रीज काट के लेके जा रहे हैं, खेतों में ट्रीज को उगाया गया काटने के लिए। 40 इयर्स पहले से ऐसा चल रहा है, ट्रीज उगाए गए बहुत सारे ताकि बाद में उनको यूज कर सके फॉर वुड। Ivan, come, show me how you wear this hat. Odin literally tent उठा के लेके आया है पूरा बना बनाया। Nice Ivan, do you like it? ये टेंट इसके पास शादी से पहले से ही है। Hi Ivan. Yes, mama coming. Mama move shoes, okay? Tent. This is a tent, Ivan. Tent. Yes, this is a tent. Yes, same tent. You are so cute. Yes, तो ओडिन टेंट के साथ कुकिंग के इक्विपमेंट भी ले आया, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। यहाँ पे बहुत भूख लग रही थी। कैंपिंग वाला गैस और स्टव लेके आए हम लोग। क्या है शायद देखो गाइस, टेंट के अंदर से यहाँ पे ब्लैक स्वान्स तैर रही है, हम कॉफी बना रहे हैं, और एक कोई लड़की बाजू वाली आके खेल रही है यहाँ पे।
नाइस हाँ नाइस डक यस इट्स लाइक अ डक इवान क्वैक क्वैक यस यू आर सो स्मार्ट तो यहाँ पे कॉफी के लिए पानी गर्म हो रहा है और इवान मुझे शूज पहनाने के लिए बोल रहा है क्योंकि उसको बाहर घूमना है, उसको टेंट के अंदर नहीं रहना। तो इवान पार्क में एक रैंडम एल्डरली इंसान के पीछे ही पड़ गया, उनको छोड़ ही नहीं रहा था। हम बार बार बुला रहे थे तो भी नहीं आ रहा था। He's so close to him. Bye bye. Bye bye. 他哪去了？哎，No，he's enjoying it. हम जा रहे हैं अभी वॉशरूम एरिया में थोड़ा फ्रेश होने के लिए। बहुत टाइम से हम यहीं पे बैठे हुए थे, यहाँ पे हमारा टेंट लगा हुआ है। कुछ और देख के आएंगे बस मैं और उड़ी ने। यहाँ देखो कितने लोगों ने कैंप लगा लिया है। ओ वाह, ये बड़ा वाला है, ऐसा भी हम ले सकते हैं। ये सब चीज़ें काफ़ी सस्ते में मिल जाती हैं यहाँ पे। वैसे घर बना लिए लोग तो ये तो मजाक बना रहा है लोगों का। जो लोग यहाँ पे फोटो खिंचाते हैं, बोल रहा था फ्लावर एंजल बने पड़े हैं सब लोग यहाँ पे, पौधे पकड़ के फोटो खिंचा रहे हैं। ये देखो गाइस मॉडर्न सा वॉशरूम। तो हम खाने का कुछ ढूंढ रहे थे लेकिन ये सिर्फ कॉफी वाली जगह मिली हमको। फिर हम और चले, रस्ते में इतनी सारी प्रोफेशनल फोटोग्राफी दिख रही थी हमको। आइसक्रीम फॉर बाबू। नो 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 बाबू यू हमने ये लिया सस्ते में, आई थिंक 50-60 रुपीज की। यहाँ पे भी गाइस देखो इलेक्ट्रिक कारें खड़ी हुई है, चल रही है हर जगह, हर बिल्डिंग में आपको मिली जाती है। ये तो बहुत कॉमन, ये बस स्टॉप जैसा है, और है बस स्टॉप नहीं है लेकिन ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का स्टॉप है। और यहाँ पे कितने अच्छे पेड़ लगे हुए हैं देखो। और ये भी पे करके लेनी है, तो हमने टिकट पे किया ऑलरेडी 600 रुपये पर पर्सन। इन बैठ गया ऑलरेडी, कुल्फी की जैसी है देखो। हमारे टेंट के पास ही एक आदमी घंटों से फोटो ले रहा था। तो फिर हमें जोरों की भूख लगाई और हमने जो डम्पलिंग्स पैक किए थे सुबह वो ही खाने लग गए। 4 बजने वाले हैं और यहाँ पे देखो आप भीड़ अभी बढ़ ही गई है। तो डम्पलिंग से हमारा पेट नहीं भरा तो हम नूडल्स भी बना रहे हैं। अब इसमें हम डाल रहे हैं इंडोमी नूडल्स जो कि मैंने खरीदे थे घर पे। तो ये ना इवान भी खा लेता है, बहुत टेस्टी होता है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं। क्या फीलिंग आ रही है ना लेक के पास में बैठ के खाना बना रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे आसपास। ये हो गए मेरे तैयार नूडल्स, इवान भी उठ के आया है, मैं खाऊंगी गाइस। अब हम सोच रहे हैं यहाँ पैक करके किसी और जगह जाएं। इवान अच्छे से सोया नहीं तो बहुत इरिटेट हुआ हुआ है, इतनी गर्मी लग रही थी इसको। और अब हम वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, टेंट पूरी तरह पैक हो गया ऑलमोस्ट। अब हम इस खुले एरिया में आ गए, हम शायद बस लेंगे बाहर की ओर। तो फाइनली टिकट लेके हम बस में बैठ गए और जब तक पूरी बस फुल नहीं हो जाती तब तक चलती नहीं है ये,
और सामने देखा मैंने दो लड़कियां एकदम फोटोज पे फोटोज ले जा रही हैं। दोस्त हो तो ऐसे हो सच में। यहाँ इन चारों औरतों ने सेम ही टाइप की हैट पहनी हुई है। टू मेनी मॉम्स विद स्मॉल किड्स विद द सेम हैट। यहाँ बीच बीच में बस स्टॉप भी लगाए हैं कि किसी को रास्ते में किसी और स्पॉट में उतरना हो तो। यहाँ ये लविंग कपल दूसरे लोगों का वेडिंग फोटोशूट देख रहे हैं। तो इस पोस्ट पे आप सारे एरिया के मैप्स देख सकते हो, कहाँ पे कौन से प्लांट्स है वगैरह, एस्पेशली क्योंकि ये पार्क इतना बड़ा है। गाइस यहाँ पे देखो आर्टिफिशियल झरना लग रहा है, शादी की फोटोग्राफी हो रही है। तो इस एरिया में कुछ नए टाइप के फूल मिले हमको। मॉम भी बहुत इंटरेस्टेड थी, फोटोज वगैरह खिंचाने लगी थी ओडिन से। और फिर यहाँ पे एक पॉन्ड के जैसा था मैन मेड, जो कि बहुत ही होटल वाली, फाइव स्टार होटल वाली वाइब दे रहा था। और फिर हम आगे गए, चलते चलते बहुत अलग टाइप के फूल मिले। तो ये बेसिकली फूलों वाला गार्डन है, अगर आपको पता नहीं चला हो अभी तक तो। ये अलग अलग टाइप के ट्यूलिप्स हैं, जिनको गार्डनिंग का शौक है उनके लिए हेवन है। पता नहीं आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, लेकिन यहाँ पे झरने गिर रहे हैं बहुत ऊंचे चट्टानों वाले पहाड़ से। गाइस इस टाइप की चट्टान वाला पहाड़ और झरने मेरे घर के बाजू में भी है, जो अंडरग्राउंड गिरते हैं। लाइक पानी का लेवल बहुत कम है, ज़मीन से 5 से 8 फ्लोर नीचे है। वेरी डीप, दिस इज़ वेरी वेरी डीप। हम नीचे जा रहे हैं गाइस, नीचे मेरे ख्याल से ऊपर के लिए लिफ्ट होगी। यहाँ देखो कितना सुंदर है गाइस, दो साइड है यहाँ पे झरने के साथ, और पूरे एरिया को चल के आप कवर कर सकते हो। पूरे ब्रिजेस बने हुए हैं, हर एक कोने में ब्रिजेस बने हुए हैं चट्टानों के पास वाला जो भी एरिया है। यहाँ देखो और कुछ फ्लावर्स है गाइस, यहाँ पे देखो ये यानी ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी मैं इंस्टाग्राम लाइव करने लगी थी इसलिए मैंने बहुत सारे पार्ट्स का वीडियो नहीं लिया है, लेकिन ये देखो आप बहुत सारे ऐसे एरियाज नए नए आते जा रहे हैं। यहाँ पे लोग सफाई कर रहे हैं गार्डन की, लाइक घास वास काट रहे हैं, वीड्स वगैरह काट रहे हैं। और यहाँ पे खूब सारे ब्रिजेस लगे हों, खूब सारे छोटे बड़े पतले नीचे ऊपर हर जगह ब्रिजेस लगे हुए हैं। बहुत हवा चल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ और पेड़, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अभी हवा ठंडी हो गई, मज़ा आ रहा है। हम नए एरिया में आ गए हैं, यहाँ पे पीछे लेक है एक और बड़ी सी। यहाँ पे कुछ पत्ते की सब्जियों टाइप का कुछ उगाया हुआ है, बट ये खाने वाली सब्जियाँ नहीं है, ये बस लुक के लिए है। देखो आप कितना सुंदर लग रहा है, दिखने में बहुत अच्छी लग रही है, कुछ अलग ही लुक दे रही है ये। अब मैं जा रही हूँ ओडिन के पीछे पीछे। ओडिन और इवान यहाँ नदी किनारे बैठे हुए हैं, कितना क्यूट। और बहुत शांति है यहाँ पे, ज़्यादा लोग नहीं है गाइस, बहुत शांति है। Not, it's enough, huh? Papu? Nice! Ivan, say nice! Be careful, dangerous. Dangerous, Ivan. काम हो गई है गाइस, हम चलते ही जा रहे हैं। ब्रिज पे हैं हम, नज़ारे देखो। सनसेट होने वाला है। ये है जगह जहाँ पे हम गए थे, ये है नाम। बहुत मॉडर्न तरीके से बनाई हुई है, लाइक पहाड़ी में जाके एकदम इंक्लिनेशन पे ख़त्म होती है। यहाँ पे लड़की फोटो खिंचाने के लिए पेड़ के अंदर ही घुस गई है।
तो फिर मम्मी को दिख गए सब्जी बेचने वाले लोग बाहर ही, तो ऑब्वियसली उनको लेनी ही थी। यहाँ पे लोटस स्टेम्स और पता नहीं पत्ते वाली बहुत सारी सब्जियाँ मिल रही है, तो वो आर्ग्यू करने लग गई कि ये टूटे हुए स्टेम्स है, फ्रेश नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा सस्ता कराने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए, बट वो आदमी माना ही नहीं। तो बस गाइस, बहुत लंबा हो गया ये व्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट व्लॉग लॉकडाउन वाला होगा तो जरूर देखना। बाय गाइस।